हैं। और आज जो हमारी बैठक हुई है उस बैठक में जो है हमारे मेंबर्स का जो है मॉरल बहुत हाई था, बहुत मॉरल हाई था, और वो जो है पहले से बहुत ज़्यादा उनमें एक तरीके से अंडर करेंट जो था वो अब बाहर निकल कर आया है। और सभी जितने भी मेंबर्स हैं सभी लोगों ने जो है मिलकर जो है गहन चर्चा की, हर विषय पर जो है छोटे से छोटे विषय पर भी चर्चा की गई और किस तरीके से प्रदर्शन सुधारा जा सकता है जिन राज्यों में करारी हार हुई है वो सब। तो खुद कांग्रेस के जो लीडर्स हैं हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी कि उन सब में अब जो कॉन्फिडेंस लेवल जो पिछले 10 साल से हम देखते हैं कांग्रेस लीडर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो किस तरीके से आए अपनी बातें रख के वो सब चले गए, लेकिन अब में और पहले में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आया। बड़े अपने जो भी मुद्दे हैं वो मुखरता से उठा रहे हैं। CWC की बैठक की अगर हम बात करें तो लगभग 2-3 अगर कुछ मेंबरों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी मेंबर्स ही आए थे और सभी मेंबर्स ने जो है सभी मेंबर्स में कॉन्फिडेंस था और उन्हीं सभी मेंबरों ने एक सुर में जो है राहुल गांधी को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का मैं हामी भरी। तो ये एक सबसे बड़ी बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासकर प्रियंका की बहुत चर्चा हुई, प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश में लीड किया तो जो जितने मेंबर्स थे उन सब ने प्रियंका गांधी की बहुत तारीफ की और जो आने वाले कुछ समय में मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस बहुत बेहतर एक प्लान बनाने की तैयारी कर रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी ज़्यादा वक्त नहीं है उसको लेकर, और इंडिया गठबंधन के जितने जो लोग हैं वो कुंबे को लेकर क्या बात हो रही है क्या नहीं है इन सब को लेकर गहन चर्चा जो है वो यहाँ CWC की बैठक में भी हुई है और जो है वो आगे भी जारी रहेगी। इसके अंदर सबसे खास बात जो नज़र आई वो ये है कि जैसे कि 4 महीने पहले जो CWC की बैठक हुई थी वहाँ उस बैठक में जो थी वो कार्यालय में हुई थी बैठक, और आज जो बैठक हुई है वो जो है ये कन्वेंशन सेंटर में हुई है। ये कन्वेंशन सेंटर इसलिए महत्वपूर्ण है कि यही इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी जहाँ से नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई थी। ये वही हॉल है यहाँ जो नीतीश कुमार ने जब शामिल हुए थे तो उनको संयोजक जब नहीं बनाया गया तो शाम तक खबरें आई कि नीतीश कुमार नाराज हैं, उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया है, जिसको लेकर जो है आज उसी कन्वेंशन सेंटर में जो ये बैठक हो रही है। तो उसमें और इस बैठक में जो नेताओं के कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई नजर आया। जी जी बिल्कुल इकरार, और हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी भी। प्रशांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि जो कांग्रेस की CWC की बैठक हुई और उसमें जो फैसले लिए गए, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल KC वेणुगोपाल और जयराम रमेश से किए गए जिसके जवाब उन्होंने दिए। अब आगे क्या कुछ होगा, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनना स्वीकार करते हैं या नहीं, क्योंकि अभी भी उनके पक्ष में ही ये सारे नेता सारे कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो ये चाहते हैं कि विपक्ष में सदन की जो आवाज है वो विपक्ष की आवाज जो है वो राहुल गांधी ही बने। प्रशांत जी, जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, अधीर रंजन चौधरी थे, तब भी राहुल गांधी के सवालों से BJP हिल जाया करती थी, जबकि BJP के पास पूर्ण बहुमत था, एक अकेले मोदी सब पर भारी होने की बात किया करते थे, लेकिन राहुल गांधी को किस तरह से फिर बाहर करने का पूरा एक खेल रचा गया ये हम लोगों ने देखा, और फिर राहुल गांधी जब वापस आए तब फिर किस तरह से BJP की मुसीबतें बढ़ी ये भी हम लोगों ने देखा। अब जबकि अगर मान लीजिए राहुल गांधी ये चीज स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है मैं नेता प्रतिपक्ष बनना स्वीकार करता हूं, तो फिर आप क्या सोचते हैं मोदी जी की हालत और कितनी खराब होगी, क्योंकि NDA में अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि बिहार, UP, हरियाणा, हर जगह महाराष्ट्र, तमाम राज्यों में इस समय NDA के लिए जो BJP के लिए स्थिति बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। चंद्रबाबू नायडू कब पलट जाए या नीतीश कुमार कब पलट जाए इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, अभी तो वो बने नहीं और उन्होंने पहले ही शेयर बाजार घोटाले का ठीकरा जो है वो सीधे सीधे उन पर मोदी शाह को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है, जब वो संसद में पहुंचेंगे और फिर जब सत्र शुरू होगा फिर जब वो मुद्दे उठाएंगे और बिल्कुल तर्कों के साथ जब वो अपनी बात रखेंगे, तो आपको क्या लगता है मोदी जी सदन में आने की हिम्मत दिखा पाएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैं देख रहा था तो KC वेणुगोपाल और जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बड़े आराम से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तर्क सवाल भी हुए कि कांग्रेस उन प्रदेशों में क्यों अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जहां उनकी सरकारें हैं। हनुमान बेनीवाल का एक बयान अखबारों में छपा, उसके बारे में सवाल हुआ, तर्क सवाल हुए, लेकिन कोई तूतमय में नहीं हुई, कोई एजेंडा वाले सवाल नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। इस फर्क को आप देखिएगा कि जब भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे
तो ये जो गोदी मीडिया है ये बड़ी तैयारी के साथ, बहुत होमवर्क के साथ, एजेंडा वाले सवाल लेकर आता है। इनके मालिक इनको भेजते हैं ये सवाल लेकर। ये बेसिक फर्क हम देख रहे हैं कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की हुई जिनसे एजेंडा वाला सवाल पूछा गया, राहुल गांधी ने जवाब भी दिया, और वो रिपोर्टर ने क्या पूछा कि आप मेरे ऊपर ऐसे उंगली कैसे उठा सकते हैं। आप सोचिए कि एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही जूनियर पत्रकार, जूनियर सीनियर की कोई भी पत्रकार, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता से ये पूछ रहा है कि आप मेरे ऊपर ऐसे उंगली कैसे उठा सकते हैं। आप सोचिए क्या ये कोई पत्रकार योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी से या अमित शाह से इस तरीके से बात कर सकता है। राहुल गांधी ने फिर भी उसका मुस्कुरा के जवाब दिया, और उस चैनल के या गोदी मीडिया के कुछ लोग राहुल गांधी के खिलाफ नए सिरे से एजेंडा चलाने लेकर आ गए। इस फर्क को हमको समझना होगा कि जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जब जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उसमें दोनों फर्क क्या है। आपने भी सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कितने मुश्किल मुश्किल सवाल हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात कि जो आपका सवाल है, देखिए कुछ लोग इस चुनाव हार गए कांग्रेस के, अधीर रंजन चौधरी हार गए, आनंद शर्मा हार गए, मध्य प्रदेश से नकुल नाथ हार गए, कमलनाथ के बेटे। मैं कहूंगा कि ये हार कांग्रेस के लिए वरदान, इन लोगों के बारे में ये बोझ थे कांग्रेस के, और इन लोगों के बारे में कांग्रेस फैसला नहीं कर पा रही तो जो जनता ने कर दिया। अधीर रंजन चौधरी के बयानों को आप याद कीजिए, कैसे कैसे बयान दे रहे थे, मतलब अडानी अंबानी के वो टेम्पो वाले में भी कैसा बयान उनका वायरल हो गया था। एक तो ये बात, दूसरी बात कि जब राहुल गांधी को बनना चाहिए, अब राहुल गांधी अब नहीं बनेंगे तो नेता प्रतिपक्ष तब कब बनेंगे, और केवल नेता प्रतिपक्ष नहीं, अब विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद भी मिलेगा जो पिछली बार खाली था। और अगर चंद्रबाबू नायडू झुके नहीं तो स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास नहीं जाएगा, और स्पीकर का पद अगर बीजेपी के पास जाता है तो कल भी मैंने कहा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को रोज अपने अपने एमपीज की सुबह और शाम अटेंडेंस लगाने पड़ेगी, कितने हैं, कितने गए, कितने बचे। ये पार्टियां बच नहीं पाएंगी अगर स्पीकर बीजेपी का होगा, और वो जैसी उसकी भनक होगी तो फिर वो इस मोदी सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े होंगे। अब रही संसद की बात, देखिए संसद अब कैसे चलेगी, नरेंद्र मोदी संसदीय व्यक्ति नहीं है, संसद से भागते हैं। पिछले 10 साल में आपको मालूम होगा कि बुधवार और बृहस्पतिवार दो ऐसे दिन होते हैं जब प्रधानमंत्री कार्यालय के से सवाल होते हैं, जो क्वेश्चन आवर होता है, बुध और बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय के सवाल लिए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। एक भी सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी ने आज तक नहीं दिया पिछले 10 साल में। सरमित्रा जी, मैं प्रेस गैलरी में बहुत साल बैठा हूं, दशक से ऊपर बैठा हूं, कितने प्रधानमंत्रियों को देखा है। बुधवार और बृहस्पतिवार को क्वेश्चन आवर के समय मैंने कभी नहीं देखा, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, देवगौड़ा हो, गुजराल हो, मनमोहन सिंह हो, कि ये हाउस में ना हो और खड़े होकर जवाब ना दें। कोई कोई सवाल पीएमओ का जो राज्य मंत्री देता है, लेकिन अधिकांश सवाल प्रधानमंत्री खड़े होकर देते रहे। नरेंद्र मोदी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ये संसद से भागते हैं, अब कितना भाग पाएंगे ये देखेंगे हम लोग कि क्या करेंगे। लेकिन अभी से, और देखिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को ये बड़ी कीमत इनके समर्थन की चुकानी पड़ेगी, जिसका कल ही से संकेत मिल गया। संकेत क्या मिला,
हम सब ने देखा है कि संसद भवन के परिसर में महात्मा गांधी की बड़ी सी स्टैचू लगी हुई है। संसद के अंदर कुछ होता है तो बाहर निकलकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो है वो गांधी जी की प्रतिमा के आगे धरना देते हैं, अनशन करते हैं। संजय सिंह ने भी दिया था जब निकाले गए थे, महुआ मोहिता ने भी दिया, तमाम सारे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लोग। और जब बीजेपी विपक्ष में रहे तो बीजेपी भी ये करती रही, हालांकि गांधी जी के प्रति कितना सम्मान है वो हम जानते, लेकिन फिर भी गांधी जी की प्रतिमा के आगे बैठ कर धरना देते रहे। वो प्रतिमाएं हटा दी गई वहां से, और कि विपक्ष धरना न दे पाए वहां पे, उनको कहीं किनारे ले जाया गया कि मीडिया का टेंशन ना मिले उनको, क्योंकि कैमरे वही पास में होते हैं। तो अब ये सब अगर होगा तो इसकी कीमत तो कौन चुकाएगा? इसकी कीमत बीजेपी तो चुका ही रही है, चुका चुकी है, हार चुके चुनाव में, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी चुकाएंगे, और बड़ी कीमत चुकाएंगे। नीतीश कुमार का तो चुनाव है अगले साल। तो संसदीय प्रणाली को बहुत सम्मान से नरेंद्र मोदी ने कभी देखा नहीं। और लेकिन अब विपक्ष क्योंकि इतनी बड़ी ताकत से होकर आया है, संभवतः राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, उनको बनना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी हार होगी। वहां पे 7 लाख वोट से जीतकर अभिषेक बनर्जी भी आए, वहां महुआ मोहित्रा भी है, वहां पप्पू यादव भी है, एक से एक अच्छे वक्ता भी हैं, तेज तर्रार लोग भी हैं, जो काफी जो है तल्ख भाषा में बात भी करेंगे। और इस बार मुझे लगता है कि माइक बंद नहीं हो पाएंगे, जिसको मर्जी आए जब सस्पेंड करना हो नहीं हो पाएगा, ये मुश्किल होगा, क्योंकि संसद चलाना, बिल पास कराना भी सरकार की मजबूरी होती है। जी जी बिल्कुल, इस बार संसद चलाना आसान नहीं रहेगा। अमलेंदु जी, संसद तो जब शुरू होगा सत्र तब उसके नजारे हमको देखने मिल ही जाएंगे। पिछले बार तो मतलब पिछले 5 सालों में हमने ये देखा कि विपक्ष जब उसने सवाल उठाए, मोदी बड़े आसानी से उन सवालों को टालते रहे, जहां मौका मिला विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया, और बहुत नहीं हुआ तो संसद ही ठप करा दी। ये बीजेपी का खेल हमेशा से चलता रहा है, लेकिन इस बार वो ये खेल कर पाएगी कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अमलेंदु जी, उससे पहले सवाल ये है कि ये एनडीए सरकार ये अब कितनी चल पाएगी, क्योंकि आज अभी ये जो सवाल आया केसी त्यागी का, ये जो बयान आया कि नीतीश कुमार को पीएम का ऑफर दिया गया था इंडिया गठबंधन की ओर से, और अभी आज उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी किया गया, जिसका बड़े चालाकी से मतलब बिल्कुल सही बात है, केसी वेणुगोपाल ने अपनी रणनीति के तहत, कांग्रेस की रणनीति के तहत उसका जवाब भी दे दिया सदैव तरीके से। सवाल ये है कि केसी त्यागी को अब क्यों ये बात याद आई, मतलब चुनावी नतीजे आ गए 2 जून को 4 जून को, और उसके बाद से आज हो रही है 8 जून, और इस दौरान हमने बार बार ये कयास लग रहे थे कि नीतीश कुमार हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, लेकिन कल उन्होंने बता दिया कि हम उधर ही हैं, हम इधर नहीं जा रहे, इस तरह की बात उन्होंने बोल दी थी। लेकिन अब फिर केसी त्यागी का ये जो बयान आया है, ये बयान क्यों दिया गया, क्यों दिलवाया गया, क्या है इसके पीछे की रणनीति, क्या नीतीश बाबू अभी भी ये संभावनाएं टटोल रहे हैं कि उधर इधर कहाँ जाऊं मैं, किधर जाऊं मैं? अमरिंदु जी, मित्रा जी, नीतीश बाबू जो है वो इधर उधर टटोल नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी बातचीत मुझे लगता है कि लगभग हो चुकी है। केवल कुछ शर्तें तय होना बाकी रह गई हैं कि किन शर्तों के साथ एनडीए को नमस्ते किया जाना है। कल जब नीतीश कुमार एनडीए संसदीय दल की बैठक में बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी, उसकी तब लोगों का गौर गया नहीं, चूंकि वो सपाटे में निकल गई। उनका कि हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपका शपथ ग्रहण हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। नीतीश जी क्यों चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मोदी जी का शपथ ग्रहण हो जाए? संकेत दे दिया था नीतीश जी ने उसी समय कि महाराज हमसे जो बातें हुई हैं उसको पूरी करो और शपथ लो, वरना शपथ में आपकी देरी हो रही है तो मामला खटाई में है आपका, हमारी जो शर्तें हैं उसको मानो, हमारे पास दूसरा पैकेट जो रखा हुआ है जिसमें हमारे पास ऑफर मौजूद है और हम उधर चले जाएंगे। ये सीधा सीधा संकेत नीतीश कुमार ने कल दे दिया था, और आज जिस तरीके से केसी त्यागी ने अपना जो बात कही है, जाहिर सी बात है कि उनके पास ऑफर आया होगा, मैं समझता हूँ कि ऑफर आया होगा, किसी ने बात की हो सकता है, चचा भतीजे जब हवाई जहाज से आ रहे थे पटना, भतीजे ने ही ऑफर दिया हो तो वो भी इंडिया गठबंधन का ही ऑफर है,
कि चाचा आप दिल्ली संभालो, हम पटना संभालते हैं, और इस पर कुछ बातें हो रही हैं, और 1.5 घंटा रास्ते में बातें हुई हैं, तो चोखा बाटी की बातें नहीं होंगी, चोखा कैसा बना था, बाटी कैसी बनी थी। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक संबंधों को लेकर के और राजनीति क्या होनी इसी को लेकर के बातचीत हुई होगी। तो ये आया होगा, मुझे लगता है कि शायद ये केसी त्यागी का ये कच्चापन नहीं है कि उन्होंने साहब जी ने आकर इस तरीके से कहा है, इसका मतलब सरमित्रा जी ये है कि अंदर खिचड़ी पक रही है, बीजेपी से नीतीश कुमार की डील पक्की नहीं हो पाई है, नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है, और एक बड़ा दबाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अभी बना रहे हैं, और अगर वो दबाव उनका पूरा नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी उस दबाव में नहीं आती है, तो खेल भारतीय जनता पार्टी का यानी मोदी जी का खेल खराब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का खेल अभी इसलिए नहीं कह सकते मोदी जी का खेल खराब कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी मोदी जी को अपना नेता नहीं चुना है, जो कि तकनीकी रूप में उनको पहले भाजपा संसदीय दल का नेता चुना जाना चाहिए था, उसके बाद उनको गठबंधन के संसदीय दल का नेता चुना जाता है, या फिर दूसरे दल जो थे वो उनको पत्र सौंप देते, वो चीज़ें अभी नहीं हुई हैं। तो नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा संकट में हैं, इसको इस तरीके समझा सकता है। केसी त्यागी का बयान ये साफ तौर पर बताता है कि उन्होंने अंदर की बात भली बाहर आकर थोड़ी लीक कर दी हो, लेकिन वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं और क्या दबाव बनाए जा रहे हैं वो चीज़ें साफ साफ समझ में आ रही हैं। टीडीपी का दबाव है कि उनको लोकसभा अध्यक्ष का पद चाहिए, नीतीश कुमार का दबाव है कि, और ये टीडीपी का भी दबाव है कि अमित शाह इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे किसी भी तरीके से। गृह मंत्रालय जो है वो उस पर दावा कर दिया है, बताया जाता है कि जो उन्हें गृह मंत्रालय उनको चाहिए और रेल मंत्रालय उनको चाहिए, यानी कि दबाव जो है नरेंद्र मोदी अब अपना मंत्रिमंडल भी खुद नहीं चुन सकते हैं, ये दबाव ठीक तरीके सामने आ रहे हैं। तो केसी त्यागी ने जो बातें कही हैं, जो दावा किया है, वो ना तो कोई अतिशयोक्ति है, लेकिन उनकी रणनीति के तहत, मतलब उन्होंने अभी पहले दबाव बनाना चाहते हैं बीजेपी के ऊपर कि इनके ऊपर कितना दबाव बनाया जाता है, उसके बाद फिर बना करके और फिर नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार को अपने पुराने हिसाब किताब चुकता करने हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने बार बार नीतीश कुमार का अपमान किया है, वो अपमान का बदला भी लेना है, तो मोदी जी की सरकार गिराई जाएगी, सदन के अंदर खड़े होकर के वहाँ नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू मोदी जी की सरकार गिराएंगे, और उसके बाद फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कैसे बनेगी वो चीज़ें आएंगी। तो इस रणनीति पे काम चल रहा है अभी जो है वो दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर कि हमारी पहले शर्तें मानो, जो आपका चाणक्य समझा जाता है, पहले इसको निकाल के बाहर करो, उसके बाद फिर आगे और सारी बातें होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आएंगी समित्रा जी, जो अंदर से सोर्सेस से खबरें आ रही हैं वो सभी हैं, लेकिन केसी त्यागी ने जो कहा है वो एक रणनीति के तहत ये बयान दिया गया है, निश्चित तौर पर मोदी जी के ऊपर दबाव बनाने के लिए भी दिया गया है समित्रा जी। बिल्कुल, मोदी दबाव में तो पहले दिन से ही नजर आ रहे हैं, उनके हाव भाव और भंगिमाएं उनके कपड़े तक उससे ये जाहिर हो रहा है कि इस बार साहब को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेकअप और कपड़े सब पर, और इस बीच उन्होंने जो भी आध्यात्मिक शक्ति हासिल की होगी 45 घंटे कन्याकुमारी में बैठकर, वो सब तिरोहित हो गई बिल्कुल एक झटके में, जैसे ही ये रिजल्ट आया और पता चला कि इस बार 400 तो दूर की बात, बीजेपी को ना 300 मिले ना 250 मिले। और अमरिंदु जी, माफ कीजिएगा प्रशांत जी, आपके पास आना चाहती हूँ। इधर कल वेंकैया नायडू की एक टिप्पणी बहुत खास आई थी, जिसमें उन्होंने इरमा के दीक्षांत समारोह में जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि भारत ने साबित कर दिया है कि भारत एक महान लोकतंत्र है, जनता जो भी बदलाव करना चाहती है उसने बड़े शांति से कर दिया, मुझे उम्मीद है कि जनता ने जो भी संदेश दिया उसे लोग समझेंगे। यहाँ पर आपको क्या लगता है प्रशांत जी, यहाँ लोगों से मतलब क्या मोदी शाह से है वेंकैया नायडू का, क्योंकि उन्हें भी एक तरह से बहुत सटल वे में किनारे लगा ही दिया था, जितने भी बड़े बड़े नेता पहले रहे बीजेपी के, मोदी शाह के युग ने अटल आडवाणी युग को बिल्कुल ओवर शेडो करने की जो कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में अब जो भी मतलब यशवंत सिन्हा का तो हम वो देख ही रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करते हैं। कल आडवाणी जी के पास गए मोदी और उनको ठीक है, वो दिखाने को अच्छा है फोटोशॉप के, मतलब फोटो ऑप के लिए अच्छा है कि चलिए ठीक है, आपने उनसे आशीर्वाद लिया, बुके दिया और लिया, ये सब हो गया, आपने उनको भारत रत्न दे दिया, तो चलिए आपने गुरु दक्षिणा दे दी, ये भी मान लिया। लेकिन अब वेंकैया नायडू का ये जो बयान है, ये किस ओर इशारा करता है, खासकर तब जबकि अभी बीजेपी को अब विधानसभा चुनाव में जाना है। ठीक है, आपने लोकसभा में आप सरकार मतलब आप बना लेंगे और उसके बाद कुछ महीने कुछ साल हम नहीं जानते, पूरे 5 साल चलेगी ये सरकार नहीं चलेगी, नीतीश नायडू इनका क्या रुख रहेगा, जैसा अमरिंदु जी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी से तोलमोल कर रहे हैं, तो आगे इस सरकार का भविष्य क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वेंकैया नायडू का ये जो बयान है, मोदी इस बात को समझेंगे, उनको अब उन्होंने भी एकदम समझाने की कोशिश की कि भाई जनता ने जो सबक सिखाया है उसको सुन लो समझ लो, अब जो है शांति से काम करो। क्या मोदी शांत बैठने वालों में है, या जैसे आपने कहा कि सुबह शाम अटेंडेंस लेनी पड़ेगी कि भाई आपके अब कितने एमपी बचे, और पता चला जदयू टूट गई,
फिर टीडीपी टूट गई है, फिर और बीजेपी बोलेगी अब हमको तो सदन में बहुमत है, क्या नीतीश नायडू ऐसी नौबत आने देंगे? और क्या ये जो वेंकैया नायडू का ये बयान है ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, यशवंत सिन्हा ब्यूरोक्रेसी से आए थे और जनता पार्टी से आए थे, वो चंद्रशेखर की पार्टी से आए थे और वो आरएसएस के नहीं थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी में आए थे। वेंकैया नायडू उस तरीके के नहीं है। वेंकैया नायडू तो आरएसएस के हैं, बीजेपी के हैं और शुरुआती दौर से हैं, छात्र जीवन से हैं। तो इसलिए उनका बयान और यशवंत सिन्हा का बयान दोनों अलग अलग है। वेंकैया नायडू जो कह रहे हैं वो आरएसएस और पार्टी के अंदर की जो बातें हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात, केवल अपनी खुन्नस नहीं निकाल रहे कि उनको सेकंड टर्म नहीं दिया गया, वो जो चर्चा वहाँ हो रही होगी उसको वो बयान कर रहे हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि वो चर्चा को बयान कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि उनसे कहा गया हो कि ऐसे बयान दो, क्योंकि अभी आरएसएस सीधे नहीं बोल पा रही है। दूसरी चीज की जरा आरएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें, आरएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोदी जी का इस्तेमाल जितना होना था हो चुका है और अब वो बीजेपी को जीत भी नहीं दिला पाए, अपनी सीट भी मुश्किल से जीते, चुनाव आयोग अगर ऐसा नहीं होता तो जीत के भी लाले पड़ते, अयोध्या हार गए और अयोध्या के आसपास के तमाम सीटें हार गए। ये बीजेपी की केवल संख्या की हार नहीं है, वैचारिक हार है। अयोध्या और उत्तर प्रदेश के माहौल में माहौल पैदा करके पूरे देश में बीजेपी चुनाव लड़ती रही है, उस प्रदेश में अब वो नंबर टू की पार्टी है। इसलिए अब आरएसएस के लिए नरेंद्र मोदी उपयोगी नहीं रहे, इनका इनके विकल्प ढूंढने का की तैयारी शुरू हो गई होगी आरएसएस के अंदर। एक बात, दूसरी बात की देखिए, उत्तर प्रदेश में भी घमासान मचा हुआ, अभी अमरेंदु जी बता रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में भी अगर अगर मोदी ताकतवर होकर निकल कर आते तो योगी आदित्यनाथ के बारे में मैं कह सकता था कि शायद जून भी पूरा ना कर पाए। अब क्या हुआ है कि दोनों कमजोर हुए हैं, योगी आदित्यनाथ भी कमजोर हुए हैं, मोदी भी कमजोर हुए हैं, तो अब इसमें थर्ड एम्पायर की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, वो थर्ड एम्पायर है आरएसएस। तो अब उत्तर प्रदेश में जो भी करना होगा वो आरएसएस करेगी, बीजेपी के बड़े दूसरे नेता करेंगे। और दूसरे नेताओं में पता नहीं, राजनाथ सिंह ने कभी ऐसा साहस नहीं दिखाया कि वो कोई एक विकल्प दे पाए, नितिन गडकरी कभी कभार बयान देते हैं लेकिन नितिन गडकरी मासस के व्यक्ति नहीं है। नितिन गडकरी उद्योगपतियों के करीबी नेता हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, अपना मंत्रालय अच्छा चलाते हैं, ऐसा उनके बारे में परसेप्शन है, लेकिन वो मासस के नेता नहीं है। और जिस प्रकार की राजनीति योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं, बुलडोजर वाली, 80-20 वाली, उस राजनीति को उत्तर प्रदेश ने नकार दिया है। तो इसलिए ये दोनों नेता एक साथ एक दूसरे से लड़ते हुए घायल हुए हैं। अब देखना है कि तीसरा व्यक्ति, तीसरा एम्पायर क्या करेगा। तो उत्तर प्रदेश एक बीजेपी के लिए एक मुश्किल प्रोजेक्ट है। और देखिए सर मित्रा जी, आप टीवी लाइव का एक सर्वे आया, बड़ा करीब था, लेकिन अक्टूबर नवंबर में मैं उत्तर प्रदेश गया था और 10 दिनों के दौरे पर गया था, और यही टीवी लाइव पे भी मैंने कहा था और जगह भी लिखा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अंडर 40 यानी 40 के नीचे बीजेपी को लाना एक पॉसिबल प्रोजेक्ट है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये मैंने तब कहा था अक्टूबर नवंबर में, और मैं अयोध्या भी गया था और अयोध्या में से लौटकर भी मैंने डीबी लाइव पे कहा था कि अयोध्या में भी बीजेपी का सीन वैसा नहीं है जैसा बीजेपी सोचती है। तब मंदिर का उद्घाटन भी नहीं हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई थी राम मंदिर की,
तभी मैंने कहा था। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लेकर बहुत सारे सवाल पहले से ही खड़े हो गए और उनको ओवरहॉल करना पड़ेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपने गठबंधन को मजबूत करना होगा। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था सर मित्रा जी कि एक तीसरी शक्ति भी थी बहुजन समाज पार्टी और वो फोर कॉर्नर कॉन्टेस्ट में उत्तर प्रदेश में नुकसान हो रहा था। अब बीएसपी ने रिट्रीट किया है, बीएसपी कितना रिवाइव कर पाती है हम देखते हैं आगे, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अब उत्तर प्रदेश में वॉर फुटिंग पे अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अभी 2 साल हैं वहां पे, तो 2 साल के में का अंतर, 1.5 साल का अंतर इस्तेमाल करके अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में गैर बीजेपी सरकार अब एक पॉसिबल प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने जब अंडर 40 के लिए कहा था, आज मैं ये भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सरकार अब एक पॉसिबल प्रोजेक्ट है, इस पे अगर लग जाएंगे तो वो हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि लग ही चुके हैं, क्योंकि अभी अगले कुछ दिनों में ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी धन्यवाद यात्रा करने शुरू करने जा रहे हैं, और ऐसी खबर है कि वो उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभा सीटों पर भी जाएंगे। और अमलेंदु जी, ये जो यूपी के लड़कों ने एकदम कमाल करके दिखाई दिया, और इनके साथ साथ प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के, उनको भी मेहनत को नहीं हम भूल सकते, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने खासतौर पर प्रियंका गांधी को भी इसके लिए बधाई दी कि उन्होंने खूब मेहनत की। कल किशोरीलाल शर्मा जी का एक, उनका जो उन्होंने वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जब भेंट की तब भी उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की, और उन्होंने साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि अंडर करंट था और हमको बहुत हल्के में लिया, यानी बीजेपी ने बहुत हल्के में लिया और ये सोचा कि ये लोग तो जीत ही नहीं सकते। बीजेपी का यही हाल पूरे यूपी में भी रहा, और खासतौर अयोध्या को लेकर खासतौर पर बीजेपी तो बहुत मुगालते में रही कि हम राम को लाएं तो ये सीट भी हमको आ ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि राहुल जी के नेतृत्व में 2 साल पहले 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा और फिर 6600 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यानी जो ये दो न्याय यात्राएं, मतलब भारत जोड़ो यात्राएं थी, इनकी मदद से हमें जनता से जुड़ने, उनकी समस्याओं, सरोकारों और आकांक्षाओं को जानने में मदद मिली, इसी आधार पर पार्टी ने अपना चुनावी अभियान तैयार किया। ये बात आज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पर दर्ज हो गई। हालांकि जब न्याय पत्र घोषित हुआ था तब भी राहुल गांधी ने यही कहा था कि मैं जब जगह जगह घूमा, लोगों से बातचीत की, और उसका उसी का हमने यहाँ पर आवाज जो दी है न्याय पत्र में, हमने उन्हीं बातों को शामिल किया है। एक खबर ये आई कि मणिपुर से लेकर, मतलब जहां कहीं भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली है, दो दो न्याय यात्राएं जो निकली हैं, उसमें अलायंस को और कांग्रेस को, मतलब कुल मिलाकर 41 सीटें जो हैं मिली हैं, यानी उसका गेन हुआ है। अब मेरा सवाल ये है अमलेंदु जी कि राहुल गांधी अब अगर चाहे नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, फिर भी क्या कांग्रेस इस रणनीति पे काम करेगी? क्योंकि अगर मान लीजिए ये सरकार पूरा अपना टर्म कर रही है, एक हम पॉसिबिलिटी एक मान लें, तो क्या राहुल गांधी को फिर से इसी तरह सड़क पर दिखना होगा, इसी तरह की कोई और यात्रा? राहुल गांधी या उनके साथ अभी जैसे लोग गए थे, कन्हैया कुमार थे और बाकी नेताओं ने भी उनके साथ जो कदम से कदम मिलाया, बीवी श्रीनिवास राव या ये सब तमाम लोग जो हैं, क्या अब कांग्रेस को ये काम करना चाहिए? क्योंकि आज की बैठक में एक ये बात हुई कि हम जहां जहां कमजोर रहे, जिन राज्यों में कमजोर रहे, वहां पर हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि हमारी गलती कहाँ हुई। हालांकि क्या गलतियां, ये बात हम लोग बार बार बोल चुके हैं कि आप मध्य प्रदेश देखिए, आप छत्तीसगढ़ देखिए, आप हिमाचल देखिए, आप कहाँ चूक रहे हैं, किस लिए, किन नेताओं की वजह से आपको नुकसान हो रहा है। उनके नाम दसियों बार लिए जा चुके हैं, और अब जैसा कि प्रशांत जी ने बोला भी था कि खुद कुछ नेता हार गए, और ये एक तरह से कांग्रेस के लिए ही अच्छा हुआ कि आपको उनसे कम से कम थोड़ी देर के लिए निजात मिल गई है, लेकिन उन नेताओं का या उनके कारण जो उन राज्यों में संगठन कमजोर हुआ है, या फिर कांग्रेस जिस तरह से जनता से कट चुकी थी, राहुल गांधी ने काफी हद तक रिवाइव किया और इसका फायदा देखने मिला, लेकिन इस पॉइंट पर आकर क्या ये जरूरत आपको महसूस नहीं होती कि ये चीज जारी रहनी चाहिए, ये चीज रुकनी नहीं चाहिए? नाम आप कुछ भी दें, भारत जोड़ो यात्रा दें तो या कोई और नाम दे दें, लेकिन यात्रा हो या संपर्क हो, जनसंपर्क हो, हर हफ्ते लोगों से मिलना जुलना हो, लोगों की समस्याओं को जानना हो,
तभी तो आप सरकार की कमजोरियों को उजागर कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, कांग्रेस इस संबंध में भी कोई विचार करेगी? अमरेंद्र जी, मुझे लगता है सुमित्रा जी निश्चित तौर पे कांग्रेस इस पर विचार करेगी। हो सकता है आज कांग्रेस की जो CWC की बैठक हुई है, विस्तारित CWU की बैठक हुई है, इसमें इस पर चर्चा हुई भी होगी कि आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना है, राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी इसको लेकर के भी निश्चित तौर पर आज चर्चा हुई होगी, और राहुल गांधी का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा इसको लेकर के भी चर्चा हुई होगी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी, देखिए सुमित्रा जी, जो राहुल गांधी की दो यात्राएं हुई, दोनों यात्राओं के बीच में लगभग एक वर्ष का आप गैप समझ सकती हैं, पहली यात्रा खत्म होने से दूसरी यात्रा शुरू होने के बीच में, लेकिन इस बीच में राहुल गांधी का जनता से संपर्क बंद नहीं हुआ। रोज राहुल गांधी किसी ना किसी से मिलते थे, रोज राहुल गांधी समाज के नए वर्गों से जाकर के मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, उनके सुख दुख में शरीक होते थे। और फिर ये जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ तो उस समय राहुल गांधी ने कहा भी कि हमने जो कुछ इसमें लिखा है ये बातें आपकी हैं, हमने सिर्फ इसको लिखा, यानी कि हमने आपसे जो सुना उसकी वो समस्याएं हमने इसमें डाली हैं, और उसका असर देखने को मिला। जैसे आपने बताया कि 41 सीटें इंडिया एलायंस जीत करके आया है जो राहुल गांधी के रूट पर पड़ती थी, ये एक तरीके से देखने में आया। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के जनता से संपर्क करने का कांग्रेस को, इंडिया का गठबंधन को फायदा हुआ, लेकिन ये संपर्क अब रुक ना जाए, ये ना हो कि विजय मिली और आप जो है विश्राम एक तरीके से समझ लें। हालांकि अभी इसको विजय इसलिए नहीं कह सकता, सरकार में आप नहीं है, सरकार में आते तो विजय भी हो सकती है, लेकिन ये विजय से कम भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी विजय यही है कि आपने नरेंद्र मोदी को ला करके 240 पे आपने टिका दिया, और नरेंद्र मोदी एक जो है कहा जाए कि वो कटे हुए हाथ उनके जो हैं वो उसमें अब नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी के, तो ये आपकी विजय है, लेकिन ये इस विजय को यहीं पर रोकना नहीं है, क्योंकि आपको अब लंबी लड़ाई अब एक लड़नी होगी, और जब तक कि आप सरकार नहीं बनाने अपने दम पे पूरी तरीके से तब तक ये आपकी यात्रा जारी रहनी चाहिए, उसके बाद फिर जो आपने लोगों से वायदे किए वो आपको पूरे करने होंगे। तो इसके लिए एक लंबी यात्रा करनी होगी, और यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस के वर्कर्स की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और कांग्रेस के पदाधिकारी जो हैं उनकी, वो पूरे संगठन की होगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपना संगठन और मजबूत करना होगा। अभी भी जो कई जगहों पर जो कमियां देखने को मिली वो संगठन की कमियां कई जगहों पर देखने को मिली, जनता का वोट आपके पास मजबूत था, संगठन अगर आपका नीचे और मजबूत होता उसी तरीके से सक्रिय होता जिस तरीके से राहुल गांधी सक्रिय हैं, तो निश्चित तौर पे परिणाम दूसरे और भी हो सकते थे, इसको किया जा सकता था। तो खैर ये अपने उनके अंदर जो है वो उनकी आत्म मंथन की चीज़ें हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। 2019 के चुनाव में क्या कमियां रही थी उसको भी मंथन किया गया होगा, उसकी क्या रिपोर्ट वोट आई, जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ों पर मंथन किया गया हो तो जनता को नहीं बताई जाएंगी, बाहर आकर के प्रेस में नहीं बताई जाएंगी कि हमारी ये कमियां रही, इसकी वजह से जो है वो हमारा प्रदर्शन कम रहा है, कहाँ पे अच्छा रहा, तो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो प्रक्रिया अंदर निश्चित तौर पर चल रही होगी, वो प्रक्रिया आगे भी चलेगी, और अगर नहीं चल रही है तो चलना चाहिए। दूसरी बात जो है मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने जो अपना मिशन शुरू किया एक तरीके से जो जनता से संपर्क का, उसको दूसरे लोगों को लगातार आगे बढ़ाते रहना है और जनता के बीच में रहना है, क्योंकि इस सरकार को भी अब जो आप घेरेंगे तो अगर जनता से आपके पास कोई फीडबैक नहीं होगा तो आप सरकार को घेरेंगे किस तरीके से। अब जिस तरीके से सरकार बनने से पहले ही और राहुल गांधी ने जो एक हमला जबरदस्त तरीके से बोला एग्जिट पोल और शेयर मार्केट के मिली भगत को लेकर के किस तरीके से, जाहिर सी बात है कि जो शेयर होल्डर्स हैं या जो निवेशक हैं उनमें से कुछ लोगों ने राहुल गांधी को ये बातें बताई होंगी कि किस तरीके से उनको नुकसान हुआ और किस तरीके से उन्होंने अमित शाह के कहने पर, नरेंद्र मोदी के कहने पर जो थे वो शेयर खरीदे और किस तरीके से उनको नुकसान हुआ। तो एकदम से आसमान से तो चीज़ आनी गई होगी, कहीं से कोई सूचना मिली होगी, तो सूचनाएं आपके पास लगातार आती रहें तो सूचनाएं तभी आएंगी जब आप जनता के बीच में लगातार बने रहेंगे। तो ये मुझे लगता है कार्यक्रम जारी रहेगा, इस पर निश्चित तौर पे कांग्रेस को काम करना है आगे जाकर के, रणनीति बनानी है, दो तरीके की रणनीति बननी है, एक संसद के अंदर क्या रणनीति है होगी, संसद के बाहर क्या रणनीति होगी, दो रणनीति तो ये बननी है, दूसरा सरकार को घेरने के मुद्दे क्या होंगे, सड़क पर किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा और संसद के अंदर सरकार को किस तरीके से घेरा जाएगा, तीसरी एक रणनीति ये होगी कि जो अपने दल हैं सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के उनके साथ किस तरीके से समन्वय बना के रखा जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा भी कि हमको उनके किस तरीके से संबंध बना के रखने और किस तरीके से रणनीति बनानी है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। दूसरी रणनीति ये होगी कि किस तरीके से जो NDA के घटक दल हैं उनमें तोड़फोड़ करनी है, उनसे किस तरीके से लेकर के आना है, बहुत से मुद्दे ऐसे किस तरीके से पैदा किए जाने हैं जिसमें NDA के अंदर फूट पड़े। अब जैसे कि चंद्रबाबू नायडू के पुत्र नारा लोकेश हैं, उन्होंने साफ तौर पर घोषणा कर दी कि हमारा जो एजेंडा है कि हम आरक्षण मुसलमानों को देंगे उस पर हम रहेंगे, तो ये नरेंद्र मोदी जो थे वो तो साफ सीना ठोक के कह रहे थे कि मैं जो मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलने दूंगा, तो अब नरेंद्र मोदी का सीना भी ठुकवाना है कि भाई ठोकिए आप, और वहाँ आप सरकार में शामिल हो रहे हैं आंध्र प्रदेश में, इसको रोकिए। तो यानी जो इनके अंदर जो क्लैशेस होने वाले मुद्दे हैं
उसको किस तरीके से चौड़ा किया जाना है, उसको किस तरीके से सतह पर लेकर जाना है, इस रणनीति पर भी काम किया जाना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। शायद वो लोग काम करेंगे भी, चूँकि उनके अंदर की बहुत सी चीज़ें हैं, किसी भी दल के अंदर की बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो अभी एक महत्वपूर्ण निर्णय और आया है, और वो निर्णय जो आया है कि राहुल गांधी और अखिलेश और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में खासतौर से, सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक तरीके से दौरा करेंगे और आभार प्रकट करेंगे लोगों का जिन्होंने इंडिया गठबंधन को मत दिया। ये एक बहुत अच्छी रणनीति है और इस पर मुझे लगता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बाकी और राज्यों में भी जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन को अपार सफलता मिली है या जहाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुँचाई है, उन राज्यों में भी इस तरीके से होना चाहिए। और बाकी राज्यों में भी जहाँ नहीं हुआ है वहाँ भी जनता के बीच ये सिलसिला जो है संपर्क का जनता से, वो लगातार बना रहना चाहिए। सर मित्रा जी, बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, संपर्क जनता से जीवंत होना चाहिए। और इस बात का जिक्र आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा भी था, उन्होंने कहा कि हमारा काम निरंतर जारी रहेगा चाहे हम सत्ता में हो या नहीं, हमें 24 घंटे 365 दिन लोगों के बीच रहना होगा, जनता के मुद्दों को उठाना होगा। ये बात आज उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कही। प्रशांत जी, जो अभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस तरह से धन्यवाद यात्रा यूपी में करने जा रहे हैं, और यूपी का तो विश्लेषण आपने करके बता ही दिया कि किस तरह से वहां पर एक माहौल बन रहा था और बीजेपी के खिलाफ, इस चीज को आप पहले ही समझ चुके थे। लेकिन इधर बिहार में हमने देखा कि बिहार में चाहे गांधी मैदान की रैली हो, वहां जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी, तेजस्वी यादव ने जो यात्रा की थी उसके बाद जो जनविश्वास रैली उन्होंने पूरी निकाली थी, और उसके बाद जो गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था, और इधर तेजस्वी यादव की रैलियों में भी बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ती थी और उन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा की, लेकिन फिर भी उतना जो गेन कर सकती थी इंडिया गठबंधन जो कर सकता था उसको उतना फायदा नहीं मिला। बावजूद इसके क्या कांग्रेस और राजद और तमाम वाम दलों को मिलकर बिहार में, क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव है, यूपी में तो 2 साल बाद है, लेकिन बिहार अभी भी एक बड़ा स्टेक, और चूंकि वहां पर नीतीश कुमार हैं, जहां पर कांग्रेस अभी कोई बड़ा खेल कर सकती है, आपको क्या लगता है? क्योंकि इधर चंद्रबाबू नायडू का तो हमने देख लिया कि ये जो नारा लोकेश उन्होंने जो कहा है कि मुस्लिम आरक्षण की बात उन्होंने उठाई, इधर तेजस्वी यादव जिस तरह से अग्निवीर को हम खत्म कर नहीं, मतलब हम नहीं चलने देंगे ये बात वो हमेशा से बोलते रहे, राहुल गांधी भी ये बोलते रहे, अब ये तो सत्ता में नहीं आए, लेकिन नीतीश कुमार तो सत्ता में आ चुके हैं, तो एक तो आरक्षण का मसला, दूसरा अग्निवीर का मसला, तीसरा पेपर लीक वाला मसला, ये रोजगार का मसला, इन तमाम उस मुद्दों पर क्या नीतीश कुमार मोदी को किसी तरह दबाव में ला पाएंगे? क्या आप कोई संभावना ऐसी देखते हैं कि अपनी सत्ता बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आंख मूंद करके मोदी के फैसलों में हाँ में हाँ मिलाते हैं तो जाहिर है बिहार में उनको नुकसान होगा, और फिर वहां पर तेजस्वी यादव गेन कर सकते हैं, यानी इंडिया गठबंधन गेन कर सकता है, और अगर वो इधर जाते हैं तो फिर उनको केंद्र की सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। क्या लगता है किस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं? क्या एनडीए को अस्थिर करने में सबसे पहला कदम नीतीश कुमार की ओर से उठने वाला है? देखिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों की स्थिति अलग अलग है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार आंध्र प्रदेश में जो बनेगी वो बीजेपी के ऊपर निर्भर नहीं होगी, उनके पास इतने नंबर हैं कि वो बगैर बीजेपी के भी बहुमत में हैं, तो इसलिए वो बहुत आजाद है इस मामले में। और इसीलिए आप देखिए कि उनकी पार्टी की तरफ से जो जो भी आरोप मोदी लगाते रहे मंचों से, मुस्लिम आरक्षण दे देंगे, तो मुस्लिम आरक्षण उनके मैनिफेस्टो पे है, वो कह रहे हैं खुले तौर पे कि हम आरक्षण देंगे, वो हज हाउस बनाएंगे नई कैपिटल में, वो मुस्लिम्स को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, ये सारी घोषणाएं वो कर रहे हैं। यही सब बातें जो नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए बोलते थे, चंद्रबाबू नायडू वो वादा है उनका, और वो आज भी बोल रहे हैं, समर्थन देने के बाद भी बोल रहे हैं कि हम करेंगे। ये किस लिए बोल पा रहे हैं? क्योंकि उनकी बीजेपी के ऊपर उनकी सरकार निर्भर नहीं होगी। नीतीश कुमार के साथ वो एडवांटेज नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार फंसे हुए हैं। अब केंद्र में कुछ भी होगा उसका खामियाजा नीतीश कुमार को बिहार में भुगतना होगा। जैसे मान लीजिए केंद्र में कांग्रेस पार्टी एक प्रस्ताव लेकर आती है जातिवार जनगणना का, अब जातिवार जनगणना पे नीतीश कुमार अगर सरकार के साथ वोट देंगे तो फंसेंगे बिहार में,
सरकार के साथ वोट नहीं देंगे तो सरकार इम्बेलेंस होगी, संख्या में प्रस्ताव पास हो जाएगा। तो ये सारे इस तरीके के बहुत सारे मसले हैं जो कि कांग्रेस इस्तेमाल करेगी। जैसे मान लीजिए कि EWS का आरक्षण, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन का, कांग्रेस का मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम इसको जनरल कैटेगरी के अलावा दूसरी जातियों के लिए भी हम खोलेंगे इसको, कि जो दलित या मुस्लिम या दूसरे लोग या OBC या ट्राइबल जो कि आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, वो भी इस लाभ इसका लाभ उठा सके 10% कोटा का। नीतीश कुमार इसका साथ नहीं दे पाएंगे, और जब इसका साथ नहीं देंगे तो उनका जनाधार किसके का। ऐसी तमाम सारी बातें हैं जो रोज कांग्रेस पार्टी लाएगी वहां पे, और नीतीश कुमार को इम्बेलेंस करेगी। नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा जवाब देना, और इसलिए मुश्किल होगा। दूसरी बात, जहां तक लोकसभा में RJD क्यों नहीं परफॉर्म कर पाई, मुझे लगता है कि टिकट नहीं ठीक से बांटे, दूसरा कि कांग्रेस के साथ वैसी सिनर्जी नहीं हुई जैसी अखिलेश यादव ने की उत्तर प्रदेश में। थोड़ा RJD का एक संकुचित स्ट्रेटजी रही उनकी, पप्पू यादव में को लेकर, पप्पू यादव को हराना जो है उनके लिए एक प्रतिष्ठा का चिन्ह लग गया। वहां दर्जन भर MLA लगा दिए गए, रिसोर्सेज का ठीक से एलोकेशन नहीं हुआ, ये सब बातें भी हुई। और एक और बात हुई जिसके बारे में बहुत समय से आगाह करता रहा हूं, एक व्यक्ति है प्रशांत किशोर, वो पिछले 1.5 साल से बिहार में लगा हुआ है, उसका एकमात्र एजेंडा RJD को हराना था, एकमात्र एजेंडा, और वो इसमें वो काम करता रहा, उसको कहीं से पैसे मिलते इस काम के लिए, और वो ग्राउंड स्तर पे लोगों को, सोशल मीडिया वालों को, नॉन प्रॉफिट सेक्टर के लोगों को तोड़ तोड़ कर उनको पैसे का लालच देकर RJD के खिलाफ माहौल बनाता रहा। ये उसने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से किया, उसको पैसा कहाँ से मिलता था मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो 1.5 साल से ये कर रहा था, और इसके बारे में आगाह किया ये व्यक्ति बिहार में कुछ कर रहा है, साजिश कर रहा है। तो ये भी एक फैक्टर था जिनको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अब लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो सबक सीखे हैं वो सबक के हिसाब से चलेंगे। लेफ्ट वहाँ पर बहुत मजबूत है, जमीनी स्तर पर लेफ्ट को अच्छी सीटें भी आई हैं, तो ये सब चीज़ें विधानसभा का चुनाव के पहले ये आयरन आउट हो जाएगी। और दूसरा कि जो ट्रेंड है वो एक मजेदार ट्रेंड है, नीतीश कुमार BJP के साथ लोकसभा का चुनाव तो जीत लेते हैं, विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाते, तो उनकी पलटी का एक बार और इंतजार करना होगा हम लोगों को। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार कब पलटते हैं ये देखना होगा। अमलेंदु जी, इधर हमने ये देखा है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने अच्छा गेन किया, बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और पिछले कुछ समय से जो एकदम उसको नुकसान हो रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि शिवसेना और NCP के मिल जाने से कांग्रेस को एक मजबूती तो मिली ही थी पहले, लेकिन अब जो जिस तरह का व्यवहार शिवसेना और NCP के साथ हुआ उसके बाद वहां पर एक जनता की सहानुभूति भी बन गई इन दोनों के जो ओरिजिनल धड़े जो हैं यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ। अब लेकिन फिर से महाराष्ट्र में भी तो चुनाव होने ही हैं, यहाँ पर क्या रहेगी कांग्रेस की स्ट्रेटेजी, और क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, क्या इनके गुट के विधायक अब इस बात को लेकर यानी अपने भविष्य को लेकर सशंकित रहेंगे कि जब ये लोग लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं कर पाए तो ये अब हमारा क्या भला करेंगे, और क्यों ना हम अपने मतलब घर वापसी कर लें यानी पुराने उसमें लौट जाएं। आपको क्या लगता है कि क्योंकि जिस तरह की हलचल थी, अजीत पवार ने जो बैठक बुलाई थी उसमें उनके कुछ लोग नहीं पहुंचे थे, ये तमाम चीजें चली रही हैं, तो आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे भी, ये तो पुरानी बात है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में किस तरह के समीकरण बनेंगे, और महाराष्ट्र से भी अब जो सांसद पहुंचे हैं वो किस तरह से, क्योंकि किसान आंदोलन ठीक है इस समय हमारा मतलब हरियाणा और पंजाब के किसान उसमें रहे, लेकिन
किसानों की समस्या महाराष्ट्र में भी बहुत गंभीर है और वहां के लोग भी बहुत ज्यादा इस बात को लगातार भुगत रहे हैं। पानी की समस्या बहुत गंभीर है और भी वहां पर जितनी मतलब कई जो प्रोजेक्ट्स जो थे बड़े बड़े प्रोजेक्ट औद्योगिक प्रोजेक्ट वो गुजरात लॉबी के कारण गुजरात शिफ्ट कर दिए गए। बुलेट ट्रेन का मसला जो था उसको लेकर गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में एक जो बार बार वो दरार हो रही थी, ये सारी चीजें इन्हें पुरानी बातें इसको बीजेपी चाहे तो भुला दे और मीडिया भी जो है वो इस पर चर्चा नहीं करता, पुरानी बातों को वो एकदम से ऐसा सोचता है कि जनता के मन से उतर जाएंगे या जनता भूल जाएगी, लेकिन इतने आसानी से चीजें भुलाई नहीं जाती हैं। आपको क्या लगता है कि शिवसेना का जो धड़ा अलग हुआ या एनसीपी का जो धड़ा अलग हुआ, क्या अब इनके लोग वापस लौटेंगे अपने घर वापसी करेंगे और क्या मतलब महायुति को यानी बीजेपी और उसके जो अलायंस है उसको वहां पर नुकसान हो सकता है? जी नुकसान हो चुका है काफ़ी ज़्यादा बीजेपी और महायुति को, और जो सूचनाएं आ रही हैं उन सूचनाओं के मुताबिक जो एनसीपी है अजीत पवार की, उनके विधायकों ने शरद पवार से संपर्क किया है और उनके जो पोते हैं रोहित पवार, उनका कल बयान भी था कि उनके साथ जो है 17-18 विधायकों ने संपर्क किया है उनके साथ में और वो जल्दी वहाँ बड़ा खेल होने जा रहा है। इधर सूचना ये है कि उद्धव ठाकरे से शिवसेना एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं उन्होंने सब ने संपर्क किया है और उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ऐसे विधायकों को हम वापस लेंगे जिन्होंने पिछले दौरान हमारे खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं किए, यानी कि उनको सबको वापस ले लिया जाएगा लेकिन जिन्होंने बयान दिए हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा। ये एक संदेश दिया गया, ये सोर्सेज के हवाले से खबरें हैं। तो अब ये खबरें निश्चित तौर पर ये बता रही हैं, देखिए चूंकि जो संदेश है खासतौर से महाराष्ट्र का वो साफ है एकदम कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की तोड़फोड़ की राजनीति को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति वहाँ कामयाब नहीं हुई, यानी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में पुनर्भूषको भव की स्थिति में पहुँच गई है। जिस तरीके से वहां से देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि साहब वो हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, देवेंद्र फडणवीस आखिर हार की जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? भाई मोदी की गारंटी थी, देवेंद्र फडणवीस वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी नहीं है तो जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस की क्यों है? इसका मतलब देवेंद्र फडणवीस भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी को उसकी स्थिति असली जो है वो बताना चाहते हैं, मोदी शाह जो गुजराती कंपनी है उसको बताना चाहते हैं कि तुमने जो इंटर के बाद उनका BA कराया, उनको 12वीं करा दिया देवेंद्र फडणवीस का, तो वो मोदी शाह का भी जो है वो 12वीं के बाद इंटर करवाना चाहते हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो 12वीं के बाद इंटर वहाँ मोदी शाह का होने जा रहा है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की सरकार बहुत जल्दी गिरने जा रही है। जो सूचनाएं उनके मुताबिक की है कि जो एकनाथ शिंदे के सांसद चुन करके आए हैं उन्होंने सबने जो है वो संपर्क कर लिया है उद्धव ठाकरे के साथ में और एकनाथ शिंदे जो है वो अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। इस तरह की खबरें हैं, पता नहीं ये खबरें सच या गलत है इसकी हम कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकते, लेकिन जो खबरें हैं वो खबरें ये हैं कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में तैयार, चूंकि एकनाथ शिंदे को वापस देने के लिए तैयार नहीं है उद्धव ठाकरे। तो ये जिस तरीके की खबरें हैं तो उससे समझ आता है कि महाराष्ट्र में बहुत ज़बरदस्त तरीके की राजनीति हो रही है। तो हम बहुत जल्दी सरमित्रा जी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इन दोनों जगह हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की अस्थिरता बहुत जल्द हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है उसके कारण चल रही है और इंडिया गठबंधन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के घर में जो आग लग रही है उसमें हाथ तापने के लिए तैयार बैठा है। जी बिल्कुल, हम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के साथ शायद बिहार और हरियाणा को भी जोड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बुशरा खानम। बुशरा जी, ओवर टू यू, क्योंकि अभी हम चर्चा इसी बात की कर रहे हैं, आज जो कांग्रेस की CWC की बैठक हुई और अब 5:30 बजे जो संसदीय दल की बैठक होने जा रही है और इसमें कांग्रेस की क्या रणनीति बनती है और किस तरह से NDA सरकार जो है अस्थिर होने की ओर बढ़ रही है, क्योंकि मोदी ने भले ही 2AB एक्स्ट्रा हासिल कर लिया हो लेकिन बाकी राज्यों में उनका इंटर के 12वीं और सबका उल्टा पुल्टा हिसाब चल रहा है, इस उल्टे पुल्टे हिसाब के साथ मोदी किस तरह सीधी सीधी सरकार चला पाते हैं या फिर वो भी इन्हीं उलझनों में रहकर अब हार मान लेते हैं, ये इन सब बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। ओवर टू यू बुशरा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सरमित्रा जी, और अब जाहिर सी बात है सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है क्या असली खेल उसके बाद होना है, क्योंकि जिस तरह से